अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 में पढ़ रहे हैं जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम्स में जो ड्रग्स काम करती हैं उनके बारे में, यूरिनरी सिस्टम्स के बारे में हमने जाना था कि ऐसा सिस्टम जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने डाई यूरेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को तेज कर रही थी। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम जेनेटो ऑर्गन जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके उन पर जो ड्रग्स काम करती हैं उनके बारे में, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जेनिटल ऑर्गन्स का ताल्लुक स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनको जेनिटल ऑर्गन्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे कुछ ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है जेनिटल ऑर्गन्स में क्या है। सबसे पहली जो ड्रग है स्टूडेंट वो है रिटोड्रीन, बीटा टू एगोनिस्ट है, यानी ये बीटा टू रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज एगोनिस्ट एनालॉग है उसका, उसके फंक्शंस को इनिशिएट करेगी, या हम कह सकते हैं कि ये बीटा टू रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग है। एगोनिस्ट का मतलब भी यही है कि बीटा टू यानी उस रिसेप्टर्स के जो फंक्शंस है उसको स्टिमुलेट करे या इनिशिएट करे। ऐसी ड्रग्स जो है वो एगोनिस्ट कहलाती हैं या तो एनालॉग्स कहलाती हैं। अब बीटा टू फंक्शंस के बारे में, बीटा टू रिसेप्टर्स के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि बीटा टू रिसेप्टर जो है यूट्रस पे प्रेजेंट है, उसके बाद ब्रोंकाई पे प्रेजेंट है यानी लंग्स पे प्रेजेंट है। इसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी ब्रोंकाई के मसल्स को, लंग्स के जो स्मूथ मसल्स हैं ब्रोंकाई उसको डायलेट करता है, उसके बाद यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करता है। तो यही रिटोड्रीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये किस तरह से बीटा टू को स्टिमुलेट करेगा और जो एक्टिविटीज हमें मिलेंगी उनके बारे में जानेंगे। यूट्राइन मसल स्टूडेंट, यहाँ पे यूट्राइन मसल्स पार्टिकुलरली इसका जिक्र होगा। यूट्राइन मसल यूट्रस के मसल्स को यूट्राइन मसल्स कहा जाता है। रिलैक्सेंट का मतलब है कि उन मसल्स को रिलैक्स करेगा। दो टर्म्स जो है वो एंटागोनिस्ट इस्तेमाल होती हैं, एक दूसरे के उल्ट इस्तेमाल होती हैं, रिलैक्सेंट एंड कॉन्ट्रैक्टेंट। ठीक है, रिलैक्सेंट ऐसी ड्रग्स हैं या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेंट ऐसी कंडीशन होती है जिनमें स्मूथ मसल्स या मसल्स के में सकड़ाव आता है। हमेशा रिलैक्सेंट और कॉन्ट्रैक्टेंट का डिफरेंस माइंड में रखिएगा तो इन ड्रग्स के बारे में समझने में आसानी होगी। चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। तो रिटोड्रीन इज अ सिलेक्टिव बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी रिटोड्रीन जो है ये सिलेक्टिव का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीटा टू रिसेप्टर्स को ही स्टिमुलेट करेगा, बीटा वन को नहीं करेगा। बीटा टू रिसेप्टर के लिए जो है ये सिलेक्टिव है, बीटा टू रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, उसका एगोनिस्ट है। दैट डिवेल्प स्पेसिफिकली फॉर यूज एज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट, और ये जब बीटा टू रिसेप्टर के फंक्शन को इनिशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो यूट्राइन के मसल्स जो होंगे उनके अंदर रिलैक्सेशन आएगी, रिलैक्सेंट करेगा यूट्रस के मसल्स को। अब इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें, किस मकसद के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। रिटोड्रीन यूज फॉर स्मूथ मसल, यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट, ये यूट्रस के मसल्स को रिलैक्स करती है। इससे क्या फायदा होगा, टू डिक्रीज यूट्राइन एक्टिविटीज, इससे यूट्रस की जो एक्टिविटीज हैं, कंट्रैक्शन की एक्टिविटीज हैं वो डिक्रीज होंगी एंड डिले अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर। और जो अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर है उस एक्टिविटी को या उस प्री मेच्योर लेबर को ये डिले करेगी। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में आपको बता दूं कि प्री मेच्योर लेबर क्या है। अमूमन जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो तकरीबन 40 वीक है। अगर बिफोर 40 वीक 37 वीक में जाके जो अबॉर्शन है वो हो जाती है, या जो बेबी है वो 40 वीक से पहले ही जो है उसकी डिलीवरी होती है, तो इसको हम कहते हैं प्री मेच्योर लेबर, यानी 37 वीक तक पहुंचने तक जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, या इससे पहले अगर डिलीवरी होती है तो ये प्री मेच्योर लेबर है। ये होता क्यों है कि यूट्रस की दीवारों के अंदर कंट्रैक्शन पैदा हो जाती है, उस कंट्रैक्शन की वजह से बेबी डिलीवर हो जाता है।
अब इस प्री मेच्योर लेबर को रोकने के लिए जो है हम रिटोड्रीन का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या करेगी, यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करेगी ताकि उसके कंट्रैक्शन की वजह से ये बेबी की डिलीवरी जो है, लेबर की डिलीवरी जो है वो ना हो। सो ये यूट्राइन मसल्स को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी और अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर उसको डिले करेगी, ठीक है। उसके बाद यानी एंटी अबोर्टिफिकेशन इस ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है अबॉर्शन को कम करने के लिए, इससे अबॉर्शन नहीं होगी। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो फास्ट हार्ट रेट, इसकी वजह से हार्ट रेट फास्ट हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया, यानी ये टेकीकार्डिया काज कर सकती है, हेडेक काज कर सकती है, नर्वसनेस काज कर सकती है, कंफ्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, एंग्जाइटी की सिम्टम्स अपीयर हो सकती है, नोजिया और वॉमिटिंग, क्या आना, अबकाइयाँ आना, इस तरह की सिचुएशन काज कर सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्टेंट है, मैंने पहले आपको रिटोड्रीन के बारे में बताया कि वो यूट्राइन मसल्स रिलैक्सेंट है, ठीक है, वो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स करती है। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में जाने कि ये यूट्राइन मसल्स को, यानी काम इनका सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेंट है, वहां पे रिलैक्सेंट है, यानी ये यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सकड़ाव पैदा करती है। वो एंटी अबोर्टिफिकेशन यानी एंटी अबोर्सी अबोर्शिफाइस जो एजेंट्स हैं, अबोर्टिफाइस एजेंट्स हैं जो कि अबोर्शन को रोकते हैं, वो इस्तेमाल होगा और ये जो है अबोर्टिफिकेशन करवाएगी, इससे अबोर्शन होगी। ये जो है ये डिलीवरी के अंदर आसानी पैदा करेगी, या जो है ये यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अबोर्शन काज कर सकती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट्स रिदमिक कंट्रैक्शन काज करेगा ऑफ द यूट्रस के अंदर रिदमिक कंट्रैक्शन होगी, ठीक है, रिदमिक कंट्रैक्शन की वजह से अबॉर्शन काज हो सकती है। सो प्रेगनेंसी के अंदर ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल जो है वो खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि ये अबॉर्शन पैदा करती है, अबॉर्शन काज कर सकती है और करती है। थ्रोपेटिक यूजेस की बात करें तो ऑक्सीटोसिन यूज एज अ स्मूथ मसल्स यूट्राइन मसल्स कंट्रैक्टेंट, ये यूट्रस के मसल्स को की कंट्रैक्शन करेगी, जबकि हमने रिटोड्रीन के बारे में पढ़ा कि वो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्सेंट प्रोवाइड कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो प्री मेच्योर लेबर जो है उसको डिले कर रही है, और ये जो है ये ऑक्सीटोसिन जो है ये अबोर्टिफिकेशन एजेंट है, अबोर्टिफाई एजेंट है, ये अबोर्शन काज करेगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ द माउथ, फेस, लिप्स और टंग, यहाँ पे ये सोजिश पैदा कर सकती है। अगली ड्रग स्टूडेंट्स जिनेटो ऑर्गन्स के बारे में जो जुड़ी हुई है, यूट्राइन मसल्स की बात करेंगे, यहाँ पर भी अर्गोटामाइन, अर्गट इसको कहते हैं, अर्गट अल्कलाइड मीडियम की ड्रग है। यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्टेंट, यहाँ पर भी वो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज है कॉन्ट्रैक्टेंट, हमने रिटोड्रीन के बारे में रिलैक्सेंट पढ़ा, इसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्टेंट और ऑक्सीटोसिन में भी जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट। अब यूट्राइन मसल्स के रिलैक्सेंट के बारे में आपने जाना, प्री मेच्योर लेबर्स जो है उस कॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर्स को डिले करती है, और ये दोनों ड्रग्स एर्गोटामाइन और ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सकड़ाव लाती है, जिसकी वजह से ये अबॉर्शन काज करती है। अमूमन जो है ऑक्सीटोसिन को और एर्गोटामाइन को अबॉर्शिफाई एजेंट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के अंदर। अब स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, अर्गोटामाइन कॉन्स्ट्रिक्ट स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रिक्शन काज करती है, सकड़ाव लाती है, लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर सकड़ाव लाती है, यूट्राइन मसल्स के अंदर सकड़ाव लाती है। इसके थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो अर्गोटामाइन कॉन्ट्रैक्ट यूट्राइन मसल्स की कॉन्ट्रिक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अर्गोटामाइन इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हेडेक, सरदर्द के लिए, हेडेक पेन,
एंड अदर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद माइग्रेन, माइग्रेन पेन के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात की जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग कॉज करती है, स्वेलिंग ऑफ द माउथ फेस लिप्स और टंग क्या कर सकती है, ये वॉमिटिंग कॉज कर सकती है, माउथ की सोजश, फेस की सोजश, लिप्स और टंग। और दोबारा आपको बता दूं कि अर्गोटामाइन जो है अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल, अबॉर्शन काज कर सकती है, सो इसका इस्तेमाल जो है ये एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेंट ड्रग है ऑक्सीटोसिन की तरह। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था चैप्टर 7 जुनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, जुनेटो यूरिनरी ड्रग्स के बारे में, तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।